बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग व्यूअर्स? हमेशा की तरह दुआ करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज है जुम्मे का दिन। ये है नैना, सारे बच्चे नहा धो के तैयार हो चुके हैं। जुम्मे का दिन है और हम अपने घर में हैं। हिना भाजी आई हुई हैं और आप सबको मेरी तरफ से जुम्मे का दिन, जुम्मे की बरकतें और रहमतें मुबारक हों आप लोगों को। तो बस अभी मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हो रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा व्यूअर्स से बातें करूँ। तो आप अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, हम सब के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर और बरकत वाली घड़ियाँ लेकर आए। तो बस यही कहना था मैंने आप लोगों से। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो खाना मेरा रेडी है, बस नमाज़ पढ़नी है, तो मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ और फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शोजी, जुम्मा मुबारक, खैर मुबारक। और सब हम लोग यहाँ पर हिना बाजी भी बैठी हुई हैं और हाँ जी, तो यहाँ पर बन चुके हैं कढ़ाई कबाब और बहुत ही यम्मी। अभी भी मैंने इनको फ्राई करके डाला है कढ़ाई कबाब को। तो हिना बाजी आई हुई हैं तो मैंने कहा मज़े मज़े की डिशेज़ उन्हें खिलाई जाएँ, क्योंकि फिर सारे साल हमारे लिए मुश्किल हो जाता है आना जाना, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मेरे बन चुके हैं कढ़ाई कबाब और अभी मैं इनको मिक्स कर लूँगी। हाँ जी, मिक्स होने के बाद इनकी शक्ल कुछ इस तरह से निकल कर आ गई है। अभी बस इनको थोड़ा सा दम पे रखूँगी और इसके बाद कढ़ाई कबाब रेडी है, मैं फिर सर्व करूँगी नान और चपाती के साथ। दिन है, आमना भाभी अपने लिए पूरी गर्म कर रही हैं, घर की नाश्ता बना रही हैं। हम सब नाश्ता कर चुके हैं, बिरयानी जो दिन बच गई थी आज वो भी गर्म कर रही हूँ, साथ ही साथ कढ़ाई कबाब भी रेडी हो गए हैं। और जुम्मे का दिन था और हम सब ने खाना खा लिया है। यहाँ पे आमना भाभी बैठी हुई हैं और फ्रूट खा रही हैं। और इना, कैसा गुजरा जुम्मे का दिन आपका? बहुत अच्छा, माशाल्लाह से सब कुछ हो गया टाइम से। हाँ, खाना भी खा लिया और बस अभी हमने जाना है कहीं, अपनी पुप्पो के घर जाना है हमने और उनकी पोती की मुबारकबाद देने हम जा रहे हैं शाम में। तो फिर तैयार होकर आप लोगों से मिलूंगी ना। हाँ, चलने के लिए चलो जी, जा रहे हैं हम अपनी पुप्पो के घर जा रहे हैं। आमना भाभी भी रेडी हो गई हैं और मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। हिना बाजी भी रेडी बैठी हैं और बस हमने अभी निकल जाना है। हिना बाजी रेडी हो? चलो, उसका वेट कर रहे हैं और अभी हम निकल के जाएंगे। हाँ जी, तो अभी इस वक्त हम लोग रेडी हो चुके हैं, नैना भी रेडी है और मैं इस वक्त जा रही हूँ अपनी फुप्पो के घर और उनकी पोती पैदा हुई है तो उसकी मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे नैना भी है मेरे साथ, जीनिया नहीं चल रही हमारे साथ, बाकी हम जा रहे हैं, हिना बाजी भी हैं साथ। तो बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी बेटी है मेरे कज़न की, तो उसकी मुबारकबाद देने जा रहे हैं। तो वहाँ तो जाके मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये है कि जा रही थी तो हम लोग रेडी हुए थे, तो अभी मैंने कहा जो व्लॉग चल रहा है पूरे दिन का वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो ये भी शेयर कर लूँ। तो चलिए चलते हैं, रेडी हो जाओ, सिर्फ आप रह गए हो, आ गया भाई। चलो फरीशा, चलो हिना बाजी आ जाओ, आ गया शेरोज, चलो रेडी हो जाओ, मामू ने गाड़ी निकाल ली है। हाँ जी, शेरोज भाई आ गए हैं, वहाँ ड्राइवर आ गए। हाँ, ड्राइवर आ गया तो हम जा रहे हैं शेरोज भाई के साथ। चलो जी, शोजी भाई गाड़ी निकाले, हम लोग जा रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं, फिलहाल नैना का वेट हो रहा है। ये भी बहुत चलता है, मोनी काबिल ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर हम आ गए हैं पुप्पो के घर और पुप्पो ने कर लिया है इतना सारा इंतजाम हम सबके लिए, पूरी टी पार्टी अरेंज कर लिया है पुप्पो ने। और ये है मेरी प्यारी सी पुप्पो, अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, हाय कर दें। हाँ, मेरे व्यूअर्स को हाय कर दें। और ये मेरी पुप्पो हैं और हमारी बहुत ही सबसे बचपन से हम सबकी जिसे कहते हैं ना फेवरेट और प्यारी पुप्पो हैं। और हम इन्हीं के हाथ से खाना वाना खा रहे होते थे और हमें बहुत इन्होंने पाला भी है और हमारा बहुत ख्याल भी इन्होंने रखा है बचपन में। तो हम उनके पोती को देखने आए थे और छोटा बेबी जो अभी सोने चला गया है और पुप्पो ने इतनी सारा इंतजाम कर लिया हम सब के लिए, मजे मजे की चीजें खुद बनाई हैं सारी मेरी पुप्पो ने। नहीं, हाँ जी, तो पुप्पो के घर हम लोग को आया बहुत ज़्यादा मज़ा। मेरी पुप्पो ने इतनी सारी चीज़ें इतने शॉर्ट नोटिस में तैयार कर ली थी माशाल्लाह। उन्होंने समोसे, दही बड़े, चाट और दही बड़े माशाल्लाह दाल के पिसे हुए थे और घर में बनाए थे उन्होंने। और इसके साथ अलावा चाट और क्या कहते हैं इसका, सीख कबाब वगैरह और विंग्स जो है बहुत ही टेस्टी थे। थैंक यू पुप्पो, थैंक यू सो वेरी मच, हम सबको बहुत मज़ा आया। और जो बेबी काका था ना जिसकी वजह से हम गए थे, वो तो बहुत ही लड्डू पारा सोनू गुड्डा था। तो थैंक यू सो मच पप्पो, बहुत मजा आया आपके घर।
ये मेरी सबसे छोटी पप्पा हैं और इनसे जुड़ी हुई बहुत सी यादें हैं जो कि मैं आपसे किसी दिन किसी ब्लॉग में शेयर करूंगी। और काफ़ी बातें बातें हो रही थी इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं बार बार शूट करूं, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, तो लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई और डिफरेंट स्पाइस में बना रही हूँ मटन कढ़ाई। और मेरे साथ कैमरे पर जो है वो वरीशा शहजाद है इस वक्त, और वरीशा मुझे शूट कर रही हैं और मैं बना रही हूँ। वो फिर कहते हैं ना कि आपको ताउन किया है, तो मेरे साथ ताउन किया है वरीशा शहजाद ने, और वरीशा जो है मुझे शूट कर रही है। उस वक्त मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई। हिना बाजी आई है और अपने जब साथ हों तो छठे मिल बैठ कर अच्छा सा खाना खाने का बड़ा मजा आता है। तो यहाँ पर मैंने सुबह बनाए थे कढ़ाई कबाब, और अब जो है मैं बना रही हूँ उस वक्त मटन कढ़ाई। तो ये रिब्स हैं, आप किसी भी किस्म का गोश्त ले सकते हैं, गोल गोटी गोश्त भी आप इसे ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने जो है वो रिब्स ले लिए, आप देख सकते हैं जो चांपी जिले आम लहंगे से कहते हैं। तो इसको हमने ऑयल डाला है, ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें जो है वो चांपो को डाल दिया है। मैं थोड़ा सा अच्छे से स्टर फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं ऐड करूँगी यहाँ पर जो है ये मैंने गार्लिक का पेस्ट जो था इसका मैंने बना लिया था, ग्रीन चिली के साथ इसका पेस्ट बना लिया था मैंने। और यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को दिखा देती हूँ जी। यहाँ पर है सॉल्ट एज पर टेस्ट, रेड चिली पाउडर, और ये जो है मैंने ले लिया है क्या कहते हैं इसको, धनिया का पाउडर, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसलिए मैंने लिया है क्योंकि इससे कलर बड़ा अच्छा आएगा। ये है जीरा पाउडर, और ये है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पिसी हुई, काली मिर्च पिसी हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है पाउडर फॉर्म में जाएंगी। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा ही है टमाटर, क्योंकि सबको मसाला ज़्यादा पसंद होता है तो इसलिए। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर ले लिया है ये है दही। तो फिलहाल मैं जो है ये फ्राई कर रही हूँ, जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगी। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारी चांपें जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं, वरीशा दिखा दीजिए। और यहाँ पर हमारी जो चांपें हैं, हमारी नहीं बकरे की चांपें जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं, और इन पर इस तरह से कलर सा आ गया है। अब जब इन पर अच्छे से कलर आ जाए तो ये हम ऐड कर देंगे। ये मैंने बना लिया था ग्रीन चिली, और ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट है जो कि मैंने पानी के साथ जो है उसको डाइल्यूट कर लिया है। थोड़ा सा सुरसुर करेगा, बल्कि कुछ ज़्यादा ही सुरसुर करेगा, और इसमें हम अच्छे से डालकर फ्राई कर लेंगे। आंच को मीडियम से लो कर देंगे, ताकि जो है क्योंकि अब ये काफ़ी ऑयल में गई है तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ी से सुरसुर करेगा। अच्छा, जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगी तो मैं इसमें टमाटोज डाल के थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, पानी डाल के थोड़ा सा, ताकि टमाटोज जो है वो अच्छे से गल जाएँ। टमाटोज यानी कि टमाटर अच्छे से गल जाएँ। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो साबुत डाल सकते हैं, हाफ स्प्रिट करके डाल सकते हैं, या फिर जो है आप, मैं तो कट करके कट कर लिए हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं टमाटोज इस तरह से आप स्लाइस कर लें, और इस डायमेंशन में आप लोग स्लाइस करेंगे तो ये ईजिली गल जाते हैं, तो मैंने इसको टेस्ट कर काटा है। अच्छा जी, अब जो है मैं टमाटोज ऐड कर दूँगी। टमाटोज ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्टर करूँगी। स्टर करने के बाद इसे थोड़ा सा लेट से, ये बहुत टेस्टी और मज़े की कढ़ाई बनती है, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वो हाईवे वाली कढ़ाई बनती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और ये वॉक जो है ये बहुत पुरानी है, मेरी अम्मी की वॉक है कढ़ाई जिसे कहते हैं। तो अब ये देखें इस तरह से, अब ये रस में साथ साथ इसका मसाला बन जाएगा। फिलहाल मैं इसे कवर कर दूँगी लिट से, और लिट करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर ढक दूँगी जब तक कि टमाटर सब। जी, तो अब यहाँ पर जो है वो मैंने टमाटोज डाल दिए हैं, टमाटर डाल दिए हैं कट करके, टमाटर हो जाएंगे थोड़े से गल जाएंगे, उसके लिए हम इसको लगा देंगे लिट। यहाँ पर मैंने लगा दिया है लिट, अच्छे से कवर कर देंगे इसको, टमाटर गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें स्पाइसेस डालती हूँ। तो अब आ जाए चेक करते हैं कंडीशन क्या चल रही है। तो यहाँ पर हम जो है प्लेस कर दिया है, मैंने ढक्कन हटा दिया है, और अब जो है आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद टमाटो जो है वो गल गए हैं यहाँ पर, और कितने अच्छे से ये मैश हो गए। आपको करने में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ज़्यादा आपको मैश भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ये हो रहा है, भून रहा है, टमाटर का पानी खुश्क होगा, और साथ ही साथ अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ये इन्ग्रीडियंट्स, और ये तमाम इन्ग्रीडियंट्स एक साथ ही मैं जो है वो इसके अंदर डाल दूँगी। आप सॉल्ट जो है वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं एज़ पर टेस्ट, मैं ज़रा थोड़ा ही डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मसाले के साथ और सारी इसके साथ जो है वो भून जाएगी।
हाँ जी, अब इसमें हम जैसे ही पानी का टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी ये थोड़ा सा, इसको बीट कर लूँगी दही को। एक कप मैंने, एक पाव दही ले लिया है मैंने, और आप इसे थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा कम करूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने ले ली है ये जूलियन कटी हुई जिंजर चिलीज़ को मैंने कट कर लिया छोटी वाली, और धनिया कोरिएंडर, और यहाँ पर जो है वो मैंने बड़ी वाली जो है वो स्लिट कर ली है हरी मिर्चें, तो ये मैं डालूंगी। ये भी तेज़ होती हैं तो आप अपने हिसाब से स्पाइस को हैंडल कर सकते हैं। तो बस ये डालूंगी, दही डालूंगी भून कर, और उस पर से ये डालकर और दम दे दूंगी, और बहुत अच्छी से कढ़ाई रेडी हो जाएगी। हाँ जी, तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है योगर्ट, और दही मैंने ले लिया है तकरीबन ये पाव से ज़्यादा है, तो मैं इसको हाफ कप के करीब तकरीबन डालूंगी। सॉरी, अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है दही को हम यहीं पर थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स कर लेंगे, ऐसे हल्के से फेंट लेंगे, और अब हम इसको पूरे उसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर गिर जाएगा जैसे आप दही मिक्स करते हैं, और उसके बाद जो है जैसे आप दही डालेंगे थोड़ा सा भुनने के बाद दही अपना पानी छोड़ेगा, और फिर अच्छे से जो है वो ये भून कर रेडी हो जाएगा। बस अब इसकी इतनी सी हम इतनी देर वेट करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए, और जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो आपकी कढ़ाई रेडी है। आप इसको गार्निश करें हरी मिर्च, धनिया और अदरक से, और सर्व करें। अभी भी देखें सरफेस पे थोड़ा थोड़ा ऑयल आने लग गया है, तो आपसे मिलती हूँ कढ़ाई रेडी करते हुए। ये अच्छे से भुन गया है मसाला, और ऑयल सरफेस पे आ गया है, वरीशा ये उसे दिखा दीजिए। और अब जो है इसमें हम ऐड करेंगे, अब मैं ऐड करने लगी हूँ, मैंने कहा ना मोनी की मनमोनी रसोई में बन रही है आज मटन कढ़ाई, और दोपहर में आप लोगों ने देखा था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये है कढ़ाई कबाब। तो आप इनकी रेसिपी जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने डाली हुई है, वो आप जाकर जो है चेक कर लीजिएगा, और मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ, दही का पानी खुश्क हो गया है, और ये जो जूलियन जाएगा इस पर, और ये डाली चली गई हरी मिर्चें। अब इसमें जो है एंड में जाएगा एक स्पेसिफिक और स्पेशल सा ज़बरदस्त सा टेस्ट, वो भी मैं ऐड करूँगी, वो भी खास मसाला है, तो वो भी आप देखिएगा। तो बस ये हो गई है रेडी हमारी, और अब इसको हम कर देंगे अच्छा सा मिक्स देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ऑयल जो है वो मसाले ने छोड़ दिया, तो मसाला जब ऑयल छोड़ते हैं तो इस बात की इंडिकेशन होती है कि आपका जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ पर हमारी चाप कढ़ाई जो है हाईवे स्टाइल में रेडी है, और अब एंड में इसमें हम डालेंगे, यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर जो है एंड पे हमें डालूंगी इसमें, देख लीजिए आप लोग, मैं थोड़ी सी यहाँ पर ले रही हूँ अपने हाथ पर, ये मैंने ली है कसूरी मेथी, आपको पसंद हो, हमारे घर में इतनी पसंद नहीं की जाती, इसलिए मैं बहुत थोड़ी सी डालूंगी, फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूँगी, और फिर मैं इसे ऐड करूँगी, तो हथेली पर ऐसे ऐसे रख लेंगे, और आपने ये भी ऐड कर दी। तो अब ये चली गई है, आपको पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, हमारे घर में बच्चे इतना पसंद नहीं करते, तो इस वजह से जो है मैंने कम डाली है। अब ये जाएगी दम पे, और हमारी मटन कढ़ाई रेडी है। सब लोग खाने पे बैठ चुके हैं, उमेर भाई, जीनिया, नैना, और एंजॉय करने लगे हैं हम लोग खाना। तो इस वक्त यहाँ पे बातें भी चल रही हैं, और खाना भी लग चुका है, मज़ेदार यम्मी हॉट कढ़ाई बन जाई है मैंने, और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो मिलूंगी आप लोगों से फिर किसी ब्लॉग में, देखते रहिएगा, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, मिलूंगी किसी दूसरे ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।